हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मनी फार्मिंग कव, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जो प्रसव के बाद जो बच्चा तैयार करते हैं हम, जो कि काफ होता है, और ये 3 महीने तक उनको दूध पिलाया जाता है। जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम किस हिसाब से काफ का मैनेजमेंट करते हैं और कैसे हम अपने काफ तैयार करते हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हीपर्स के बारे में कि हमने किस तरह से हीपर्स का मैनेजमेंट कर रखा है। और ये 50 गायों के अनुसार हमारा जो शेड है हीपर्स का, ये लगभग 15 हीपर्स के लगभग रखने का है इसमें। तो चलो हम अब आपको दिखाते हैं हीपर्स का शेड। हाँ तो दोस्तों, हम अब आपको दिखा रहे हैं हीपर्स का मैनेजमेंट। तो हमारे पास जो 50 गायों के अनुसार जो हीपर तैयार होती हैं लगभग, वो रहती हैं 15 के लगभग। तो उनके लिए इतनी पर्याप्त मात्रा काफ़ी है। तो हम आपको अब दिखाते हैं, ये है 15 हीपर्स के लगभग, यहाँ चारा खाने की व्यवस्था है इनका। और ऊपर देख सकते हो तो ये कुछ यहाँ पर धूप से और बारिश से बचाने के लिए टेंट सेट डाल रखा है, और बाकी का खुला छोड़ रखा है धूप के लिए। यह तो अब बारिश होने से थोड़ा कीचड़ हो गया। और नीचे की साइड ये जो फर्श है, ये टाइम टाइम पर धुलाई होती है और इस पर चूने का छिड़काव भी किया जाता है, तो इससे इनके बैक्टीरिया सारी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे इनके खुरों में कोई समस्या नहीं आती। और जो आपको दिखाते हैं हम अब, इनके जो चारे के खाने की जो व्यवस्था है, वो टाइल्स लगा रखी है हमने। तो टाइल्स से क्या होता है कि ये फंगस भी नहीं पकड़ता चारा, और अच्छे से सफाई हो जाती है जहाँ पर चारा खाता है पशु। ये देखो, आप देख सकते हो पूरे में टाइल लगी हुई है। और इसी के साथ हमने ये इस साइड इनका पानी की व्यवस्था कर रखा है, जो कि टाइम टाइम पर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये हमारा परमानेंट नहीं है पानी का। जैसे ही इसमें थोड़ा फंगस जैसा ऐसा लगता है तो हम इसको चेंज कर देते हैं तुरंत ही, जिससे इसमें काई हुई भी नहीं होती और नहीं कीड़े का वो होता, तो जल्दी से सफाई हो जाती है। और हमारे पास अब कुछ हीपर्स हैं जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि ये हमारे पास प्योर जर्सी की है। और ये जो हीपर्स है ये प्योर HF में है। ये जो हीपर्स है हमारी, तो ये है करीबन 8 महीने के लगभग, और ये हीट में आने के लिए अब तैयार है, क्योंकि इनका जो खाना पीना है वो काफ ग्रोवर चलता है इस टाइम। जैसे कि ये काफ स्टार्टर से, और जैसे कि सेकंड टाइम में आते हैं जैसे हीपर में, तो इनको काफ ग्रोवर चल जाता है। ये चलता है इनका 9 महीने तक, 9-10 महीने में। जैसे कि ये हीपर्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इनकी सीमन लग जाता है, उसके बाद इनको हमने अलग बाड़ा बना रखा है। जैसे सीमन लगता है उसके बाद अलग बाड़े में डाल देते हैं। जैसे कि ये इस साइड देख रहे हो आप, ये जो जर्सी है इसको सीमन लगा हुआ है। जैसे हीपर्स के बाद ये प्रेग्नेंट होते ही उस साइड चली जाती हैं। और जिसमें हमने एक आयर शायर का बुल भी तैयार कर रहे हैं, जो कि अपने खुद के फार्म का है। इसके भी माँ का अच्छा रिकॉर्ड है, क्योंकि आयर शायर का सीमन अब इम्पोर्ट होना बंद हो गया, ये बाहर का ही सीमन है। तो इससे हम अब अपना खुद का ही ब्रीडिंग करेंगे। और ये जो ब्लैक कलर की है, ये जो हीपर्स, ये भी जर्सी की है, देख सकते हो आप। ये अभी 4 महीने की है। और ये जो आयर शायर का बुल है, ये भी 4 महीने का है। इनकी अच्छी ग्रोथ है, इससे जैसे कि हमने काफ़ी स्टार्टर शुरू किया, उसके बाद जैसे फर्स्ट में तो काफ स्टार्टर, उसके बाद हमने काफ ग्रोवर शुरू किया, तो उसमें क्या है कि पूरे मिनरल्स मिलते हैं और उसमें अच्छी ग्रोथ करते हैं बच्चे। ऐसी वीडियो से रिलेटिव, डेयरी फार्म से रिलेटिव जैसे देखने के लिए हम आगे भी आपको ऐसी वीडियो बना के दिखाते रहेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।